मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये ओंकार मल्होत्रा इतने गरीब इंसान निकले। मैंने भी इनसे बड़ा दोगला आदमी नहीं देखा। निर्मल बाबू, क्या सारे पूंजीपति वहशी होते हैं? आपको पता है, इस ओंकार मल्होत्रा की वजह से भैया की जान को खतरा पैदा हो गया है। कैसे? जिस दिन ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री को ताला लगा, उसी दिन शाम को उन्होंने अपने गुंडे भिजवाकर भैया पर कातिलाना हमला करवाया। ये तो भैया की किस्मत थी कि वहां एसीपी शक्ति सिंह पहुंच गए और उन्होंने भैया की जान बचाई। एंड यू बी सरप्राइज्ड, ये शक्ति सिंह ओंकार मल्होत्रा का भांजा है। अच्छा? मैं आपकी जानकारी में एक और बात लाना चाहती हूँ। ये शक्ति सिंह वही शख्स है जिसके साथ अनुराधा की दोस्ती है। आपने उन दोनों की दोस्ती के लिए एक बार एतराज भी किया था। हाँ, वो किया तो था, मगर अब अनुराधा खुद ही ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती तमाम बातों को। शायद पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, और ठीक भी है। एनीवे, तुम अचानक यहाँ कैसे आई, कोई खास वजह? हाँ निर्मल बाबू, हम लोगों ने आज कॉलेज में लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग रखी हुई थी। देवेंद्र जी भी मौजूद थे मीटिंग में। हम सब लोगों ने ये फैसला किया है कि चक्रधर को कॉलेज से बाहर निकालना चाहिए। हम सब लोगों ने इस सिफारिश का स्वागत भी किया। बस अगर किसी ने इस सिफारिश की खिलाफत की तो वो थे जनक जी। और देवेंद्र जी? हैरानी की बात थी कि पूरी मीटिंग में देवेंद्र जी खामोश बैठे रहे। मुझे तो उनके खामोशी से बेहद तकलीफ हुई। खैर, वो फाइल आपके पास आ जाएगी एंड आई एम श्योर इस मीटिंग में की गई सिफारिशों को आपकी मंजूरी जरूर मिल जाएगी। हालांकि मैं जानती हूं कि ये चक्रधर आपके परिचित एमएलए श्री लंकेश जी का बेटा है। हाँ, वो एक समस्या है, मगर मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ निर्मल बाबू। आप अपने कॉलेज का नाम खराब नहीं होने देंगे। और मेरी भी आपसे गुजारिश है कि आप चक्रधर के मामले में सख्ती बरतें। हाँ, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। पानी तो बिल्कुल सर से ऊपर हो गया है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है। उसने जिस प्रकार से रश्मि पारेख को तंग किया है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो उसके घर जाकर उसको धमकियां भी देने लगा है। धमकी? क्यों? बस हाथ धो के पीछे पड़ा है रश्मि के। मुझे तो लगता है वो उस बिल्डर के साथ मिला है जो रश्मि पारेख से उसका घर खाली करवाने पर जोर दे रहा है। एनीवे निर्मल बाबू, मैं दरअसल रश्मि की सिफारिश के लिए भी आई हूँ। आप आज ही उसका कन्फर्मेशन लेटर भिजवा दें, उसके डूबते मनोबल को बड़ा सहारा मिलेगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। मैं भी इन दिनों जरा व्यस्त रहा। एनीवे भाई, आज शाम को तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, क्यों? शादी से पहले की कुछ रस्में होती हैं ना, मंगनी टीका की रस्में, तो वो भी तो जल्दी करनी है, इसीलिए आ रहे हैं। और तुम्हें भी कुछ कहना हो तो? नहीं, इस बारे में आप बाबूजी से ही बात कर लीजिए। वैसे भी मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं है। अच्छा निर्मल बाबू, मैं चलती हूँ। हेलो, मैं निर्मल शास्त्री बोल रहा हूँ। देवन जी से कहिए कि मुझे फोन करें, या उनसे कहिए कि मेरे ऑफिस आ जाएं फौरन। कुसुम, अगर तुम चाहो तो हमारी फैमिली में एक बार फिर से अच्छा माहौल बन सकता है। मैं यहाँ बैठकर मम्मी का वेट कर रही हूँ, वरना तुम्हारी बात का जवाब देने से पहले ही यहाँ से उठ के चली जाती। कुसुम, मैं जानता हूँ कि तुम हम लोगों से किनारा नहीं कर सकती। तुम एक रात के लिए घर छोड़ के चली गई थी, लेकिन अगले ही दिन वापस नहीं लौट कर आ गई। क्यों? इसका जवाब भी आपको जल्द मिल जाएगा। जवाब मुझे मालूम है।
एक ही रात में तुम्हें उन भिखारियों के यहां घुटन महसूस होने लगी, करेक्ट? रोहित भैया, इस वक्त आप अगर मुझे अकेला छोड़ देना तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। As you wish, my dear sister. लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग से वो फितूर निकल जाएगा जिसकी वजह से तुम अभी भी सूरज के ख्याल से चिपकी। बाय। हाय मॉम। मैंने पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। आप रात से अभी बात करेंगे या शाम को? मैं इस काम को जल्द से जल्द सरंजाम देना चाहती हूँ ताकि मेरे साथ साथ तुम भी इस घर से निकल चलो। लेकिन मम्मी, अगर डैड इस बात के लिए राजी नहीं हुए तो? नहीं कुसुम, बल्कि उन्हें तो ये जानकर खुशी हो कि उनका मुझसे पीछा छूट रहा है। ओ हाय तारा। हाय कुसुम। अरे फिर तुम भूल क्यों नहीं जाती जो कुछ हमारे बीच हुआ था? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कुसुम से उस नरक की एक रात भी बर्दाश्त नहीं हुई और वो वापस चली। मैं जानता था कुसुम गरीबी के माहौल में रह ही नहीं सकती। एनीवे, हमारी एक फैक्ट्री बंद हुई तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, हाँ करोड़ों का नुकसान तो जरूर हुआ, मगर ऊपर वाला फिर से हम पर मेहरबान हो चुका है। हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कोल्हापुर की फैक्ट्री में वो पूरा किया जा सकता है। इट कुड बी 6.5 crores ऑफ रुपीज। और कोल्हापुर में ऐसी कोई तेजस्विनी भी नहीं है जो हमारी फैक्ट्री के खिलाफ कंप्लेन कर सके। मम्मी, आप डैडी से बात करके बाहर आ जाइए, मैं गाड़ी में आपका वेट कर रही हूँ। तारा, जो कुछ भी बात करनी कल सुबह कर लेना। आज हमें क्लब में चलना है, कुछ फॉरेनर्स को एंटरटेन करना है। हम सब चलेंगे, मंगला को भी साथ लेकर चलेंगे, उसे फॉरेनर्स को हैंडल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। आप चाहे तो मंगला को अपनी पत्नी बनाकर भी ले जा सकते हैं, मैं आपको रोकने वाली नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं, इन्हें पढ़कर साइन कर दीजिएगा। मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक? पागल हो गई हो तुम? नहीं, मैं पागल नहीं, पूरे होशो हवास में आपके सामने खड़ी। ये पेपर्स नहीं, ये पढ़ लीजिएगा। बेवकूफ औरत, ऐसी कौन सी नौबत आ गई है जिसकी वजह से तुमने ऐसा किया? ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? तुम समझाओ अपनी माँ को, क्या किया है मैंने ऐसा? आपने मम्मी को चीट किया है, आपका मंगला के साथ। इज्जत से बात करो, वो तुम्हारी मौसी है। प्लीज, अब वो मेरी मौसी नहीं बल्कि आपकी मिस्ट्रेस है। मैंने अपनी आंखों से आप दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा है। और अगर आपने मम्मी की फीलिंग्स को समझने का जरा भी जज्बा है तो हमें तलाक देकर उन्हें मुक्ति दे दीजिए। चलो मम्मी। हेलो। हाय जीजू। मंगला, इस वक्त कहाँ हो तुम? घर पर। क्यों, मिलना चाहते हो? फॉरन, मुझे तुम्हारे सहारे की इस वक्त बेहद जरूरत है। सिर्फ आधा घंटा इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। ओके, सी यू। तो आपका कहना है कि प्रिंसिपल होने के नाते आप मजबूर हैं? थोड़ी सी मर्यादा तो रखनी ही चाहिए निर्मल बाबू। अरे किस मर्यादा की बात कर रहे हो तुम? किस मर्यादा की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कई सीनियर प्रोफेसरों के रहते प्रिंसिपल बना दिया, तब कहां करेगी कि तुम्हारी मर्यादा?
अरे इतना ही गुमान था अपने चरित्र पर तो उस वक्त मना करते थे, लेकिन तब तो आपको प्रिंसिपल की कुर्सी के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा अनुमान था कि आपने मुझे मेरी योग्यता के आधार पर ही प्रिंसिपल पद के लिए चुना था। अरे योग्यता गई तेल लेने, मैंने तुम्हें इसलिए प्रिंसिपल बनाया था कि तुम मैनेजमेंट की परेशानियों को समझो, लेकिन तुम तो खुद मैनेजमेंट के सामने रोज नई परेशानियां खड़ी कर देते हो। अरे क्या जरूरत थी ये लेक्चर वेलफेयर एसोसिएशन बनाने की? लेकिन इसके लिए सुझाव तो तेजस्वी ने ही दिया था और आपने सहर्ष स्वीकार भी किया था। वही तो गलती हो गई, वही गलती हो गई मुझसे। ये सारी कल की छोकरी हमें सिखा रही कि कॉलेज कैसे चलाया जाए, कॉलेज में नेतागिरी कर रही है ये, और आपके सामने चक्रधर को कॉलेज से निकालने की सिफारिश कर रही है और आप गूंगे बनकर चुपचाप बैठे रहे। एक झटके में आपको प्रिंसिपल की कुर्सी से उतार कर फेंक दूंगा ना, तब धरी की धरी रह जाएगी आपकी इज्जत। बिठाए अनु बिटिया और मामा जी को। इतनी देर क्यों लगा दी? रेलगाड़ी लेट थी। अरे नमस्कार देवेंद्र जी। भाई बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कॉलेज तो ठीक चल रहा है ना? अरे क्या, हाँ ठीक चल रहा है, इस आदमी को चलाना नहीं आता कॉलेज। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। चक्रधर को निकालने की जो सिफारिश की है तेजस्विनी ने, उसे कचरे के डब्बे में डालिए और चक्रधर को बुलाकर एक वार्निंग देकर मामले को ठंडा कीजिए। जी ठीक है, अब मैं चलूं? हां चलिए। असनिया, ये लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन को डिसमिस कीजिए और कह दीजिए कि मैनेजमेंट कॉलेज में यूनियन बाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस लेक्चरर को आपत्ति हो अपना इस्तीफा दे सकता है। जी अच्छा, नमस्कार। ठीक है। क्या हुआ, फिर कोई बवाल खड़ा कर दिया क्या तेजस्वी जी ने? हाँ अभी आई थी थोड़ी देर पहले, मूड खराब करके चली गई। तो घर की बहू बनने वाली है, इस हिसाब से तो रोज मूड खराब किया करेगी आप। हाँ तो जाए ससुरी एक बार बहू बनकर घर में, फिर उसे भी देख लूंगा और उसके तेवर में। आज आ रहा है शाम को उसका बाप अपने घर। वो क्या लेने आ रहा है? मंगनी और टीके की रस्म कब होगी तय कर। धो देना प्रभु विनती करूं बार बार मेरा मन, धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। उसकी डायरी बाबूजी, दीदी ने इतनी अच्छी कविता लिखी है शशि जी के लिए। बाबूजी मेरे बाप माय डायरी। नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? अरे क्यों चिल्ला रही हो मोहिनी पर? अम्मा आज मैं अच्छी तरह से पीटूंगी मोहिनी को, इसे कोई हक नहीं है मेरी प्राइवेट डायरी पढ़ने का। क्यों पढ़ी तूने उसकी प्राइवेट डायरी? भाई हीरोइन, इन दोनों लड़कियों ने तुम्हारे हीरो की शर्ट खराब कर दी, अब दोबारा प्रेस करनी पड़ेगी। नहीं ऐसी भी कोई खराब नहीं हुई है। और एक बात कह देना उन लोगों से, टीके की रस्म हमारे यहाँ होगी, मैं नहीं जाऊंगी उनके यहाँ। बाबूजी आप निर्मल बाबू के यहाँ जा रहे हैं? हाँ बेटी। अरे अब तो नाम लेना बंद कर दे, रिश्ते में ससुर लगेंगे वो तेरे, कुछ भी तो नहीं पता इसे। अम्मा मुझे एक लिस्ट बना कर दे दो, मुझे किसे क्या बोलना है क्या नहीं। भाई तुम लोग थोड़ी देर और इस विषय पर बात कर लो, मैं चलता हूँ, 4 बज गए, टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो सिल्क की शर्ट पहनकर बस में जाने की सोच रहे थे, टैक्सी में ही जाना, और जरा तेवर रखना अपने। तेवर अभी लो। Don't you ever touch my things now. सुन, दोपहर को अनुराधा का फोन आया था तेरे लिए। क्या कह रही थी वो? वो गोरखपुर जा रही थी अपने मामा के यहाँ, तो जाने से पहले तुझसे बात करना चाहती थी। अनुराधा अपने मामा के यहाँ क्यों चली गई? अगले महीने तो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके। वो उसके घर वालों ने ना उसकी शादी तय कर दी है, वो भी गोरखपुर में। लेकिन निर्मल बाबू ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया आज। भाई तो ये तय रहा कि अगले शुक्रवार को टीके की रस्में पूरी कर दी जाएंगी। बिल्कुल निर्मल बाबू, अब इस शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। भाई देरी तो आपकी तरफ से हो रही है प्रभुदेव, वरना हम तो चट मंगनी और पट ब्याह के पक्ष में हैं भैया। वैसे हमारे भी काफी रिश्तेदार आएंगे भाई साहब, कम कम करके भी 70-80 तो हो ही जाएंगे। हो तो प्रभु दयाल जी ने कब कहा है कि वो 70-80 बारातियों का स्वागत नहीं कर सकते? बहन जी 70-80 तो क्या, मैं 200 बारातियों का स्वागत करने को तैयार हूँ, मगर। मगर क्या? अब आप भी सोचेंगी कि हम शर्तें ही लगाए जा रहे हैं। अब कौन सी शर्त आ गई भाई? शर्त वर्त तो बहुत हो गई प्रभु दयाल जी,
अब तो शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद लगाइए जो शर्त लगानी है। निर्मल बाबू मैं तैयार हूँ, मेरी पत्नी तैयार है, अब तेजस्विनी को तो आप ही समझाइए। मगर कितना रुपये बाबू जी? बेटा पता नहीं क्यों वो शादी के धूमधाम के खिलाफ है, कहती है कि मैं तो कोर्ट में शादी करूं। कोर्ट में? अरे वाह, पहली शादी हमारे घर की। कोर्ट कचहरी में हम नहीं करेंगे अपने बेटे की शादी? तेजस्वी से मैं बात कर लूंगा, बेकार में हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए प्रभुदयाल जी, तेजस्विनी को मैं समझा दूंगा। हाँ, और माँ तेजस्विनी बाबूजी की बात नहीं माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओहो, बस तो फिर शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी, एकदम गाजे बाजे के साथ। बिल्कुल भैया जी, तेजस्विनी की माँ भी इसी पक्ष में है। अच्छा निर्मल बाबू, तो फिर शुक्रवार को आपसे भेंट होगी, लेकिन आप लोगों को हमारे यहाँ आना होगा। हाँ हाँ, वैसे भी लड़की वालों के यहाँ जाने का रिवाज है हमारे यहाँ। शशि भी वहाँ आएगा तो टीका भी वहीं कर लेंगे। बहन जी ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। निर्मल बाबू मैं चलूंगा। अच्छी बात, नमस्कार। आइए आइए। अच्छा मैं कह रहा था कि उस दिन आप लोगों का भोजन भी वहीं होगा। उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, चाय पी लेंगे बस। बहन जी हमें फिर भी खुशी होगी अगर आप लोग। चलिए देख लेंगे उसी दिन। ये हाँ नमस्कार। तो हम लोग तो बिल्कुल प्रतीक्षा में रहेंगे, आप लोग अवश्य पधारिएगा। हेलो सीता जी, भवानी बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा है? इस वक्त तो तुम लोगों को ट्रेन में होना चाहिए था। गाड़ी को कुछ हो गया क्या? जी गजब हो गया अन्नू बेटी। क्या हुआ?